तो कभी सुधरने वाली नहीं है, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। तो आप सभी पूछ रहे होंगे ये सब क्या है, क्या कर रहे हैं मम्मी जी। तो सो गाइस यार देख सकते हैं फाइनली मम्मी ने इतना सारा घी निकाल लिया। इन हम लोग रिया दे का आईडी देख रहे हैं, वो स्टोरी डाली आप लोग को दिखा रहे हैं। देखो गाइस क्या लिखी है देखो। सो गाइस यार देख रहे हो स्क्रॉल करे, निखिल ने इसको इतना प्यार से बात किया और क्या क्या लिखे नीचे। मतलब ना बंदी में कुछ शर्म नाम की चीज ही नहीं यार, मतलब ना कुछ भी डाल दे रही है। मैं आ गया गाइस, मैं खेत से आ गया, ये दान वान बहुत ज्यादा है गाइस। सो हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग वीडियोस गाइस। तो कैसे हो, आई होप आप सभी बढ़िया होंगी और अपने अपनी जिंदगी में व्यस्त होंगे गाइस। तो सभी को जय श्री राम, और आप सभी कैसे हो बताना कमेंट करके, हम तो बढ़िया है आप बताओ कैसे हो। बाकी कल का सीन तो आप लोग को पता है, मैं सोचा कि रिया सॉरी बोल दी ऐसा करके वैसा करके, तो गाइस यार सबसे बड़ा पोपट मेरे साथ हुआ है, वो लड़की कभी सुधरने वाली नहीं है गाइस। तो आज भी उसने क्या है तो स्टोरी डाला है, मैं आप लोग को स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा यार। मतलब यार कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती, आप सभी को मालूम है ना। तो गाइस यार कुत्ते का पूंछ कभी सीधी होगा ही नहीं। बाकी हम लोग गलत फहमी में थे, मतलब मैं देखा था, मतलब ना कल जो कॉल की थी ना निखिल के पास, तो वही वाला वीडियो देख के मैं सोचा कि वो ना कि मान गई होगी, मतलब ना गिल्टी फील हुआ होगा उसको थोड़ा, उसका रोए टाइप का बोल रही थी ना, तो मैं सोचा कि वो सॉरी वोरी बोली होगी वैसा ऐसा करके, तो मेरे को लगा था। लेकिन वो स्टोरी में आज मेरे बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर लोग कमेंट कर रहे हैं, भाई यार उसने सॉरी बोला ही नहीं यार, तुम लोग क्यों ऐसा सोच रहे हो ऐसा करके। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि उसको माफ़ी करना ही नहीं, मतलब माफ़ करना ही नहीं, वो माँ बहन का गाली देते ऐसा ऐसा करके। तो भाई सर हम लोग माफ़ वाफ तो उसको कुछ भी नहीं किए, बस वो अपने रास्ते चले जाए, हम लोग अपने रास्ते चले जाएंगे वैसा सोचे थे हम लोग। तो भाई सर अब उस खेबड़ी का क्या ही बोले, वो तो कभी सुधरने वाली नहीं है, कुत्ते की पूँछ कभी सीधी नहीं होती। कि जगदलपुर जाएंगे सोच रहा था मैं, लेकिन आज नहीं जाने होगा क्योंकि यार खुशी का एग्जाम है कल को, तो खुशी नहीं मिलेगी। तो परसों देखते हैं और होली होली खेलेंगे, होली वाला प्रैंक करेंगे खुशी के साथ। मैं उसको कॉल नहीं किया, दो तीन दिन हो गया, बहुत दिन हो गया। तो चलो खुशी को भी कॉल लगाते हैं, और महारानी क्या कर रही है पता नहीं। तो चलो गाइस अभी क्या सीन रहेगा, अभी ना बहुत ज़्यादा धूप हो रखा है तो कहीं जाने को नहीं बनेगा, और काला काला तो नहीं आ रहा यार। तो चलो वीडियो में बने रहना, और मेरा थोड़ा देख सकते हो चिकना चिकना लग रहा हूँ, मतलब पूरा उड़ा दिया हूँ मैं। तो अभी मम्मी ना घी बना रही है, मतलब ना घी निकालने का वो मट्टा वट्टा कैसे निकालते नहीं है जो माखन के साथ, तो वाला प्रोसेस हो रहा है, मतलब मैं दिखाऊंगा चलो आप लोगों को कैसे निकाल रही है। चलो सो गाइस यार देख सकते हो, आप सभी पूछ रहे होंगे ये सब क्या है क्या कर रहे हैं मम्मी जी। तो गाइस यार मैं बताना चाहूँगा, ये ना मम्मी घी बना रहे हैं जो कि शुद्ध देसी घी है गाइस, देख सकते हो। अभी इतना सारा घी को ना मिक्सी में करके पूरा, मतलब बहुत दिन इकट्ठा किए थे, और अभी इसको ना अभी उबालेंगे शायद ना, तो उसके बाद उबालने के बाद यहाँ से तेल टेप के निकलेगा, तो शुद्ध घी होगा गाइस, उससे फिर वो खाने लायक भी होगा। मम्मी ने इतना सारा निकाल लिया है, मतलब ये वाला पानी अलग हो जाएगा, इसको मुई पानी है क्या पानी बोलते हैं, इससे छाछ बनता है इससे, मतलब इसको ना पूरा नमक मिर्च क्या क्या डाल के छाछ बनाया जाता है। और ये वाला मक्खन है गाइस, अब इसको ना उबालेंगे, मतलब गर्म करेंगे, वो क्या नाम हीटर वीटर या गैस में कहीं में भी गर्म कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे निकलेगा घी, निकलेगा गाइस। तो घी निकलने के बाद मैं दिखाऊंगा, फिलहाल अभी मम्मी घी भी निकालेंगे, बाकी छाछ देख सकते हो। इसी को लस्सी बना के ना बेचा जाता है 20-30 रुपए में गाइस, तो देखो कुछ इस टाइप का है। बाकी कितना प्यारा लगा, भगवान श्री कृष्ण का फेवरेट डिश है यार, मेरा भी फेवरेट है यार, मेरे बहुत पसंद है माखन, देखो कितना सुंदर लग रहा है ना मस्त। और ये छाछ पानी। सो गाइस यार देख सकते हैं फाइनली मम्मी ने इतना सारा घी निकाल लिया है, देख सकते हैं वाला घी ना कम से कम ना 5 से 1000 रुपए का होगा यार, या फिर 500 का हो सकता है, मतलब ना पूरा शुद्ध देसी घी बोलते हैं, इसको खाओगे ना मस्त फिट फाट रहोगे। बाकी मार्केट में जितने भी घी आते हैं ना वो अलग रहता है, बाकी देख सकते हो कितना मस्त खुशबू आ रहा है। तो गाइस यार अभी अभी मैं ना जस्ट ना घर में सोया था, डायरेक्ट मैं आ गया बकाउंड में, इस नल्ले ने मेरे कॉल किया, इसको कुछ काम आ गया था तो यहाँ पे बुलाया है। क्या काम आ गया था भाई? गाइस देखो बिजनेस मैन यहाँ मूवी डाउनलोड करना है भैया के दुकान पे, भैया जी गायब है और हम लोग यहाँ पे दुकान संभाल रहे हैं, अपने को ऐसे कुछ नहीं आता चलाना वाला ना। बाकी देख सकते हो क्या क्या टाइपिंग कर करके, बाकी एकदम भगवा टाइप का देख रहा है, क्या देख रहा है पता नहीं। तो चलो गाइस कब तक जाने होगा यहाँ से, और आगे सीन क्या रहेगा पता नहीं। तो आज हम लोग इसके आसपास घूमेंगे भाई, और सुनना मैं तेल थोड़ी ना, आई एम जीनियस। गाइस यार हैप्पी होली आने वाला है गाइस, अभी नहीं बोलूंगा कल बोलूंगा। और आज हम लोग होली का दहन करने वाले, शाम को देखते होगा या नहीं होगा, तो मस्त हम लोग ना लकड़ी वकड़ी इकट्ठा करके ना होली दहन करने का सोच रहे हैं, क्या सीन रहता है। तो और अभी हम लोग ना बोर हो रहे थे तो बकाउंट साइड घूमने आ गए थे वही तरुण भाई सर, और मेरे कुछ बैंक में काम आ गया था ना, ATM वीडियो पर कुछ दिखाना था, तो उधर ही देख लेंगे। तो चलो अभी फिलहाल वीडियो में बने रहना, कुछ बातें होगी आप सभी से रिया के बारे में लेके,
आप सभी को तो पता ही है, रोज रोज ही बात कर करके मैं भी परेशान हो चुका हूँ। तो यार कल को हम लोग जगदलपुर जाएंगे, होली खेलेंगे, खुशी के साथ होली वाला प्रैंक करेंगे, बहुत ही फनी और बहुत ही मजेदार होगा। तो गाइस सर फाइनली अभी हम लोग ना कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, तो चलो बाकी नल्ले लोग भी देख रहे हो फ्री का खाने के लिए आ जाते हैं यार, ऐसे ऐसे लोग देख सकते हो। ऐसे मत देख, 20 रुपए का किला है ना, मैं 70 का किला हूँ, दिखाऊंगा किला के ना 100 वाला है, 100 वाला है और देखेंगे ना तुम लोग का। मैं तो एकदम नहीं खिलाऊंगा भाई, तू नहीं खिलाया। अभी ना हम लोग रिया दे का आईडी देख रहे हैं, वो स्टोरी डाली आप लोग को दिखा रहे हैं। देखो गाइस क्या लिखी है, देखो निखिल मैं अभी तेरे से सॉरी नहीं बोलूंगा, उसको इंग्लिश भी लिखना नहीं आता है गाइस, तो क्या लिखी है देखो, निखिल मैं अभी तेरे से सॉरी नहीं बोली हूँ, ओल्ड वॉइस नोट अभी मत देख और तुझे सो, इतना घटिया गाली आप लोग पढ़ लेना तो और क्या लिखी है बताओ, उसका स्टोरी और देखते हैं। तो गाइस सर बाकी केवड़ी का देखो और क्या क्या डाली, देखो अच्छा करो, निखिल ने इसमें मैसेज किया, निखिल का मैसेज भी है, मुझे पता है तुम लोग ही मेरे चैनल को डिलीट करवाए हो, मैं तो लीगल एक्शन लूँगा अब, ये निखिल मैसेज किया है। सो गाइस सर देख रहे हो स्क्रॉल करें, निखिल ने इसको इतना प्यार से बात किया और क्या क्या लिखे नीचे देख सकते हो, इतना गंदा गाली लिखी है गाइस, आप लोग पढ़ के देख लेना, देखो ये लड़की कभी सुधरेगी ही नहीं, मतलब ना कितना, देखो यहाँ पे भी लिखी है देखो ऐसा। और अभी शाम के बज रहे हैं 4 गाइस और मैं फाइनली रेडी वेडी हो चुका हूँ, उतना टाइम गया था मैं जगदलपुर कहाँ गया था यार, बकाउंड गया था यार, मेरे माइंड में आजकल जगदलपुर ही घूम रहा है। तो गाइस सर उतना टाइम मैं गया था, कुछ काम था बैंक में, मेरा जो भी नंबर वंबर एड करवाना था अकाउंट में सब कुछ हो चुका है। सो गाइस सर अभी देखो यहाँ पे पूरा हम लोगों ने पूरा मिट्टी भर दिया, बाकी थोड़ा सा यहाँ पे बच गया है, बाकी कल को यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद घर बनना शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल अभी चलते हैं गाइस, चाय वाय पीते हैं, उसके बाद अभी चलता हूँ मैं तरुण के पास। और गाइस यार आप सभी से बहुत इंपॉर्टेंट बात करना था यार, जिसके लिए मेरे को दिल से बुरा लग रहा है। तो चलो अभी तरुण के पास मिलते हैं, उसके बाद मैं अभी तरुण के पास मिलते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा क्या बात है गाइस। तो गाइस सर फाइनली मैं आ चुका हूँ तरुण के घर गाइस, मतलब ऐसे घर में नहीं था, स्कूल साइड घूमने आया था, ऐसे ऐसे लोग बताते भी नहीं, अकेले अकेले घूमने आ जाते, बताते बहुत ज्यादा गुस्सा लग रहा है। बाकी देख सकते इधर कितना प्यारा सनसेट हो रहा है गाइस, और अपना ये गांव का स्कूल देख सकते हो पूरा हमेशा खाली रहता है, मतलब छुट्टी होने के बाद खाली ही रहेगा ना यार, टाइम आएगा तब पता चलेगा। तो गाइस सर मैं रहता ही नहीं हूँ ना, इधर उधर घूम कर रहता हूँ, तो मैं हमेशा देखता हूँ ना खाली ही रहता है, ठीक है ना। 4 बजे मत आ, तू आएगा ना तो ना 2 बजे, ऐसा क्या 1 बजे 2 बजे। तो चलो गाइस अभी ना मेरे क्या बात करना आप सभी से, इम्पोर्टेंट बात है जो कि रिया को लेके, यार मैं ऐसा सोचा नहीं था कि रिया वैसा ऐसा फिर से करेगी। तो चलो मैं उधर अभी तालाब साइड जाते हुए बात करते हैं कि ऐसा उसने क्यों किया, मतलब बार बार यार अब क्या ही बोलूं। गाइस सर अभी हम लोग ना तालाब साइड जा रहे थे, और हाँ मैं क्या बोल रहा था, तो गाइस यार मैं ना कल जो वीडियो डाला था, मतलब आज डाला था आप लोग, मतलब कल डाला था आज नहीं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि रिया ने सॉरी बोला ऐसा करके मैंने डाला था निखिल का वो क्लिप, निखिल भी बात किया था और रिया थोड़ा रोए टाइप का बात कर रही थी। तो गाइस यार सभी ऑडियंस बोल रहे यार आप लोग क्यों सॉरी टाइप का बात कर रहे हो उसको, गाइस यार सच्ची में यार हम लोग ना उसको अच्छा समझ, मतलब ना वो सब कुछ बोली थी, मतलब गाली वाली दी थी, और हम लोग सोचे कि मतलब ना वो सुधर गई है करके, मतलब ना थोड़ा रोए टाइप का बात कर रही थी कि मैं गुस्से गुस्से में पास गई थी और आप सभी को बोली थी और कुछ भी डाल दी थी ऐसा करके वीडियो में बोली, आप लोग तो देख ही होंगे। तो गाइस सर फिर आज क्या स्टोरी डाली है कि मैं घंटा नहीं डरती, उल्टा सीधा लिखिए, मैं क्लिप एड कर दूंगा आप लोग देख लेना यार, उससे ये उम्मीद नहीं था, मतलब ना बंदी में कुछ शर्म नाम की चीज़ ही नहीं है यार, मतलब ना कुछ भी डाल दे रही है। आज भी स्टोरी में मेरे को एक बंदे ने कमेंट किया था, मतलब ना भाई शिवा भाई यार आपके, मतलब ना रिया ने फिर से आपको कुछ कुछ लिखा है करके, मतलब निखिल को लिखा है, मतलब मैं किसी से घंटा नहीं डरती, उल्टा सीधा बहुत कुछ लिखी है गाइस, मैं आप सभी को स्क्रीनशॉट डाल दूंगा आप लोग देख लेना। तो गाइस यार सच्ची में मेरे को ना एक गिल्टी सा फील हुआ, यही इंपॉर्टेंट बात आप लोग को बोलना चाहता था, मतलब यार इतना बुरा लग रहा है कि मतलब ना हम लोग किस लड़की के मुंह लगे, मतलब यार उसको माफ करने लायक ही नहीं है यार सच्ची में, सब बोल रहे उसको पुलिस केस करो, सच्ची में उसको करना ही चाहिए, मतलब ना इतना माँ बहन का गाली दे रही है। और आज स्टोरी में डाली थी वो वाला स्क्रीन रिकॉर्ड मैं किया हूँ आप लोग को दिखा दूंगा, और गाइस सर सच्ची में लड़की कभी सुधरेगी नहीं यार। तो गाइस सर और आप लोग समझ रहे होंगे कि रोज रोज यही सीन हो रहा है, पर क्या कर सकते हैं यार, वो लड़की ऐसी है यार, मतलब ना
कल परसों से अच्छा अच्छा ब्लॉग्स आएगा, मतलब इससे ना पूरा नाता तोड़ देना है, मतलब ना इसके बारे में बात ही नहीं करना यार, ऐसे गंदी लड़की लोग का बात करके क्या करोगे, मतलब इतना अभी भी सुधरी नहीं है, मतलब ना स्टोरी डालिए गाली वाली देखे निखिल को, उसका मैसेज जो निखिल प्यार से बात किया है ना उस मैसेज में, और उल्टा सीधा बोल के उसमें नीचे लिखी है स्टोरी में, भाई क्या दिखाना चाहती है यार। उसके फॉलोवर्स भी अपने ही जो भी सब्सक्राइबर थे उसके फॉलोवर थे, अभी तो सबके सब अनफॉलो भी कर चुके उसका, और उसका कोई वो ही नहीं है यार, उसका कुछ वैल्यू ही नहीं है, लेकिन वो लड़की सुधरेगी ही नहीं, मतलब यार उसको क्या चीज़ का घमंड है मेरे को तो आज तक समझ में नहीं आया, मतलब ना घंटा कुछ है ही नहीं लेकिन उसको घमंड बहुत ज़्यादा है, उसका घमंड तोड़ना है यार गाइस, मतलब ना क्या चीज का इतना एटीट्यूड दिखाती है मेरे को भी नहीं पता, पता नहीं भाई क्या चीज का इसको, मतलब ना मैं कल जो वीडियो बनाया था ना कि वो सुधर गई है सॉरी बोली थोड़ा, मतलब रोए टिप का हो रही थी ना, तो आज फिर से स्टोरी डाली है, पता है तो समझ नहीं पा रहा हूं यार उसका, मतलब देख मेरे को भी नहीं पता था, अच्छा कुछ का इंस्टा स्टोरी देख लो भाई, और फिर से स्टोरी डाली है ऐसी लड़की यार, मैं क्या बोलूं उसके बारे में, जितना बोल यार उसका नाम ही नहीं लेना है, क्या बात बोलूं यार उसको। सो गाइस फाइनली अभी हम लोग ना पहुंच चुके हैं खेतों के साइड, तो गाइस यार आज हम लोग सोच रहे हैं इस खेतों के अंदर जाए, मतलब ना हरा भरा सीन देख सकते हो, रील वील बनाए, इस नमूने का रील बना देना जो कि हमेशा रील के पीछे भागते रहता है, एक नंबर का कॉमेडियन है, तो कुछ डायलॉग बोल दो यार रोहित ऋतिक रोशन का जो कुछ भी बोलते हो आप लोग। आला जादू आला, मैं आ गया गाइस, मैं खेत से आ गया, दान वान बहुत ज्यादा है गाइस, यहाँ का ना फसल ना उसमें एक खास बात है गाइस, उसमें आप खाओगे ना उसमें बोन मीटा वाला आपको ताकत मिलेगा गाइस, इसलिए आप लोग भी खाइए गाइस, लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिए गाइस। तो गाइस फाइनली मैंने एंट्री ले लिया है, तो चलो गाइस अब रील वील बनाते तगड़े तगड़े। तो गाइस यार फाइनली हम लोग बाड़ा को पार करके आ चुके हैं खेतों के अंदर गाइस, और यहाँ का मालिक अगर देख लिया ना भाई तो हमारी सामत निकल आएगी यार, तो फाइनली यार यहाँ आके अलग ही फील है, देख सकते हो कितना मस्त है यार, मतलब ना बहुत अच्छा लग रहा है यार। ना बहुत ही अच्छा लग रहा है यार, मूड पूरा फ्रेश हो गया यार, बहुत अच्छा लगा। उस रिया खेवड़ी का बात यार सच्ची में उसको तो कोई नहीं सुधार सकता, वो पागल लोग कोई नहीं सुधार सकता। बाकी तरुण भाई तेरे को यहाँ के कैसा लग रहा है भाई? एक नंबर बोले तो मजा आ गया, ऐसा दृश्य अपने गांव में मतलब ना गांव-गांव में ही देखने को मिलेगा और अपने गांव में भी देखने को मिलेगा आप लोग को। ए रहा गाइस खेत आपने तो कभी देखा नहीं होगा, तो इसलिए हम लोग आपको दिखाने लाए हैं, दिखाने लाए गाइस। सो गाइस यार आई होप आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा, पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना गाइस, तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी होली आने वाला है गाइस, तो होली में तगड़े तगड़े वीडियो होगा, बहुत ही फनी और बहुत ही मजेदार होगा होली में वीडियो, तो चलो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना गाइस, और सपोर्ट बनाए रखना अपने भाई लोग को, और अच्छे अच्छे कमेंट करना गाइस, तो चलो और किस टाइप का वीडियो ले आप लोग कमेंट जरूर करके बताना, आप लोग मतलब ना आप लोग को हम लोग सिंपल वीडियो भी बनाएंगे, इंटरटेन करेंगे, प्रैंक वीडियो बनाएंगे, मतलब सब मिक्सअप रहेगा, आप लोग बोर नहीं होंगे, तो चलो अभी फिलहाल के लिए ना ये बात चल रहा है इसलिए कोई कोई बोर भी हो जा रहा है, तो क्या कर सकते हैं यार, तो चलो गाइस अब बाय बाय, जय श्री राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो।